नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे बीटीएससी जेई को लेकर, जिसमें कि बीटीएससी के छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, बीटीएससी ऑफिस को घेराव किए जा रहे हैं। तो क्या कुछ कैंडिडेट कर रहे हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। इससे पहले भी कई बार आप लोग आ चुके हैं? पहले भी बहुत बार आ चुके हैं हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं रिजल्ट के लिए, लेकिन सरकार की नीति बहुत ही ज़्यादा खराब है। कभी केस के उलझन लगा के कभी बहुत सारे। अच्छा, इधर पिछली बार बैठे थे तो आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया गया था? फिर आश्वासन तो इतना तक दिया गया था कि आपको लास्ट अक्टूबर में रिजल्ट मिल जाएगा, नियुक्ति हो जाएगा, लेकिन अब लास्ट साल आ गया है लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ के माननीय सचिव महोदय हैं जो क्या कारण है कि हम लोग का रिजल्ट फंसा के रखे हैं, बहुत दिक्कत है। हम लोग के साथ एकदम अन्याय, घोर अन्याय कर दिया। अब जीने लायक हम लोग के नहीं छोड़े हैं, जीने लायक भी नहीं छोड़े, बिल्कुल नहीं। अब जीना चाहते नहीं है लेकिन क्या करें, घुट घुट के जी रहे हैं। तो वही है, यहाँ के माननीय अधिकारी महोदय के कुछ बुझाता नहीं है, शर्म नहीं आता कि हम लोग के बार बार यहाँ से यहाँ तक चार साल से दौड़ा रहे हैं। अच्छा, क्या दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि पिछली बार जब आप लोग आए थे तो दिक्कत किसी में नहीं है, दिक्कत इनके नियत में है। दिक्कत यहाँ के अधिकारी के नियत में है, हम लोग का नियुक्ति देना नहीं चाहते हैं, सरकार की बदनामी कराना चाहते हैं। यहाँ दिक्कत यहाँ है, बार बार अगर पहुंचे उम्मीद लगा के गुहार लगाने आए हैं कि साहब हम लोग थक गए हैं, अब ज्यादा नहीं चिल्लाएंगे, आपको गोड़ हाथ पकड़ते जाएंगे, मिलने बुलाएंगे तो हम डायरेक्ट उनके चरण में गिर जाएंगे कि अब हम लोग से आंदोलन भी करते करते थक गए, अब नहीं होगा, करते करते बस उनके चरण में गिर जाएंगे कि आपको रिजल्ट देना है, दीजिए, नहीं तो आप सल्फास की गोली दे दीजिए, मर जाएंगे। वही अच्छा, सल्फास की गोली भी मांगिएगा, क्या करेंगे अब आप उनका से यही मांगेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमको मौत दे दीजिए, वहीं हम खुशी खुशी ले लेंगे। चलिए, आप लोग बताइए क्यों पहुंचे यहाँ पर बीटीएससी ऑफिस के, जैसा कि बीटीएससी की पहली बहाली सर 2019 में आई थी, जब से अभी तक इसकी प्रक्रिया ही चल रही है। इसके पहले लिखित दिया गया कि अक्टूबर में मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी, अक्टूबर से छोड़ नवंबर आ गया, दिसंबर भी खत्म होने वाला है। हम तो यही उम्मीद लगा जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट दें। कहाँ कुछ दिक्कतें आ रही है सारे छात्रों का, अगर देखे कि क्या कुछ सबके मन में चल रहा है कि हमारे रिजल्ट कब तक प्रकाशित किए जाएंगे, क्योंकि 15 दिसंबर केस की सुनवाई थी, उसको भी टाल के 19 दिसंबर किया गया। इसलिए सारे छात्र परेशान है कि हम लोग का रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। तो सारे अभ्यर्थियों ने बीटीएससी ऑफिस के सामने धरना दिए हैं, तो देखते हैं क्या कुछ निकल कर आएंगे। लेकिन ये तो कितनी बार अभ्यर्थियों के द्वारा धरना दिया जा चुका है लेकिन बीटीएससी सुनता ही नहीं है। तो अब देखिए 19 को ऐसे सुनवाई आने हैं, 19 दिसंबर को तीनों केस को एक साथ सुने जाएंगे, तो उस दिन कुछ ना कुछ निकल कर जरूर आएंगे, क्योंकि तीनों केस एक साथ आ रहे हैं। तो तीनों के यदि क्लियर हो जाएंगे तो जल्द ही आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और भी यदि बीटीएससी की तरफ से कोई भी न्यूज हमें पता चलेंगे तो हम आपको सारे कुछ बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए।